आज फिर से मेरी एक अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे होने जा रही है। 2 से 3 दिन के लिए मैं जा रही हूँ ट्रैवलिंग में। ये भी सडनली ही डिसाइड हुआ और मैं निकल चुकी हूँ। सबसे पहले हम सारंगपुर जाएंगे, हनुमान जी दादा के दर्शन करेंगे और वहाँ नाइट होल्ड करेंगे और कल वहाँ से आगे की जर्नी तय करेंगे। टोटल 2 से 3 दिन की जर्नी है। जो गुजरात की ही एक जगह है, वहाँ पे मैं कभी नहीं गई हूँ, पहली बार जा रही हूँ। तो सारंगपुर से जो जाएंगी वो जगह होगी, मैं आपको बाद में बताऊंगी सारंगपुर से जब निकलेंगे तब। ठीक है, हमारे बच्चों ने प्लेट तोड़ दी थी, वो पता ही नहीं चला। जब खाने के लिए ये मैं प्लेट उठाई तो मैंने यहाँ पे सब्जी डाली तो नीचे से सब्जी नीचे गिर गई, तभी पता चला कि ये क्या हुआ। ये देखो हमारे मस्तीखोर बच्चे, ये मेरी सिस्टर के बच्चों ने ना तोड़ दिए। देखो ये यूनिक एंटीक, और मैंने बोला ना कि ये क्या है, तो ये बोले कि ये हमारी स्पेशल प्लेट है और ये तो मेरा होल्डर वाले आज ही तोड़ी है। ये दूसरी कारस्तानी देखिए, आपके बच्चे ऐसे है मोबाइल का देखो सत्यानाश कर दिया है। ये स्क्रीन पूरी जो प्रोटेक्शन के लिए होता है ना, ये देखो ये अभी विदाउट लाइटिंग देख सकते हैं ना, ये देखो इसमें एक भी पुर्जा नहीं होगा। ये कितनी इसकी हड्डी पसली एक कर दी है बच्चों ने, और फिर दिखा रहे ये देखो किसका फोन है, सरप्राइज। मैं मेरी सिस्टर के घर आ चुकी हूँ। मेरे घर से 45 to 50 किलोमीटर की दूरी पे मेरा सिस्टर का घर है और यहाँ से हम पहले सारंगपुर की जर्नी तय करेंगे और उसके बाद आगे की जर्नी हम तय करेंगे। यहाँ आई तो उससे पहले बहुत कुछ फनी मोमेंट्स हुए। फनी मेरे लिए वो ही लगा कि जैसे यहाँ से मेरी सिस्टर ने बोला जल्दी करो हमारी गाड़ी रेडी है, क्योंकि हम पूरा ग्रुप जा रहे हैं 14 का, तो गाड़ी रेडी है। तो फटाफट से हम गए, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी मैं खाना भी खा के नहीं आई थी। मुझे लगा मैं सिस्टर के घर पे खा लूंगी, पर इतना टाइम नहीं था तो मैंने खाना भी नहीं खाया। तो जैसे वहां पहुंचे ना, तो हमारे ग्रुप के ही 2 आदमी सामने आए। एक ने बोला मैं तो अभी नहाया ही नहीं हूँ, सामने से दूसरा आया तो मैं तो अभी खाया ही नहीं हूँ। मेरी सिस्टर ने बोला आप नहाए नहीं है, आप खाए नहीं है, और मैंने कुछ लोगों को ऐसे उठाया है जिसने अभी तक खाया नहीं है दोपहर का, तो पहले से बोलना था। बाद में मुझे इतनी हंसी आई, जो वो मोमेंट क्रिएट हुआ था और उसके जो नहाए नहीं है खाए नहीं है वो वाला जो एक्सप्रेशन था ना, वो दोनों ग्रुप वालों का वो देखने लायक थे, सब हंस रहे थे उसके ऊपर। वापस उसने बोला 45 मिनट लगेंगे, घर पास में ही था, तो मैं वापस आई, अभी खाना खाया मैंने वो मेरी सिस्टर भी वहीं पे वेटिंग में है, वेट कर रही है सबकी, ग्रुप वालों की। तो मुझे बोला बच्चों के साथ तू जा और खाना खा के आ जा, तो मैंने खाना खा लिया, अभी हम निकल रहे हैं। बाय बाय भाई। बेटा ये बैग है ना, ये हम ऊपर रखने जा रहे हैं पर ये नीचे दब गए, मुझे लगा सारंगपुर जाके निकालेंगे पर अभी निकाल रहे। वो निकला 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 चलो ओके। और अभी एक दूसरा निकालती हूँ, ये वाला भी रास्ते में हाईवे पे रखेंगे ना तो ठंड लगेगी, और ये गाड़ी के लिए। माय गॉड, ये हम लेडीज जब जाते हैं ना तो पूरा घर लेकर जाते हैं। मुझे तो ऐसा बोला जाता है कि पूरा किचन लेकर जा रहे हो, बेडरूम लेकर जा रहे हो, हम नाम भी डालते हैं किचन में से ये दो, बेडरूम में से ये दो। अभी केप कहाँ गया, केप हाँ ये वाला, हाँ इतना इतनी तो ठंडी भी नहीं है, इतनी चीजें ली है। ये हमारी मंडली निकली है भावनगर के लिए, पर भावनगर से पहले जाएगी सारंगपुर। टाटा बाय बाय कर दो दोस्त। हाय, ये सब मेरे नए नए दोस्त, और इसको तो आप पहचानते होंगे, ये नौटंकी नंबर 1। ये उत्तराखंड की ट्रिप में आपने इसका व्लॉग देखा हुआ है कितनी नौटंकी की थी, और ये वाले मेरे ये दूसरी नौटंकी नंबर 2 ये अभी दूसरी, ये है मेरी सहेली, मेरी सपोर्टर ओके। और ये मेरी नई ट्रैवल पार्टनर मिल गई है अभी, वो बोल रही है स्पीति जाएंगे। यस यस डेफिनेटली चलेंगे, आप देखोगे हमें स्पीति में। यस नेक्स्ट ट्रिप में श्योर। ओके, आपका नाम क्या है? साबित मीना।
हंसाबेन पिनारा आप भी अवार्ड कैटेगरी के लिए सिलेक्ट हुए है ना। ओके ओके, इसको तो मैं जानती हूँ पर मुंह से जान। और ये मेरी सिस्टर दक्षा जोशी, ये भी अवार्ड कैटेगरी के लिए नॉमिनेट हुई है। एंड कल्पना दहीसरिया, क्योंकि नए नए फ्रेंड मिल रहे हैं और मेरी एक खासियत है, खासियत नहीं बोलूंगी, कुछ भी बोल सकते हैं, पर आदत है कि कहीं पर भी जाओ एक भी कांटेक्ट नहीं है, जब घर पे आओ ना तो ढेर सारे कांटेक्ट लेकर आओ। और मैं, मुझे फैमिली बनाना अच्छा लगता है, मेरा फ्रेंड्स नए नए फ्रेंड्स बनते जा रहे, आगे की जर्नी में आप लोग हमें साथ पाओगे। चलो चाय नाश्ता करते, आपको करना है तो आप भी आ जाओ।